आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए सपा सरकार पर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद से प्रदेश की छवि बदली है। भाजपा सरकार में प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार के कारण आज यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। प्रदेश में कानून का राज है। यूपी चुनाव के दौरान हिंसा नहीं हुई, पर इसके पहले क्या होता था सब जानते हैं। अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार ना होती तो चुनाव में हिंसा हो जाती। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। दुनिया कहती है कि आपने कुछ किया है तो तब सम्मान पाते हैं। आज उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक नहीं जाता है तो दुनिया के अंदर सम्मान पाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश से। एक नई पहचान उत्तर प्रदेश को मिली है। उत्तर प्रदेश आज सम्मान प्राप्त कर रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो परंपरागत छवि थी कि उत्तर प्रदेश में दंगे होते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है, विकास के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सभी चीजें इस बात को दिखाती हैं कि लोगों के मन में यूपी के बारे में क्या धारणा थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस धारणा को बदला है और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक नई राह पर आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वह स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें अपनी बातों को कहना था, लेकिन मुझे नेता प्रतिपक्ष की कुछ बातों को लेकर के बहुत आश्चर्य हो रहा था। और ऐसा लगता था कि एक होता है कि व्यक्ति चुनावी सभाओं में बात करता है, वहां पर वह अपनी अपनी मीठी मीठी बातों को बोलता है, लेकिन सदन में चुना गया सदस्य तो यह प्रदेश के अलग अलग भागों से चुन करके आया है। जमीनी धरातल की बात उनके सामने अगर होती तो बहुत अच्छा होता। और मुझे उनकी भाषण पर एक बात कहनी है कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू महासभा का दावा है कि ये लक्ष्मण टीला है और सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी वायरल है। वहीं जुमे की नमाज के लिए लोगों को मस्जिद में आने को कहा गया, हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर इस मामले में पुष्टि नहीं की गई है। फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव को लेकर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे। यहां नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं की शिकायतें भी सुनी। इस अवसर पर पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि शहरी चुनाव में बीजेपी का यह पहला टेस्ट है और बीजेपी और जेजेपी मिलकर इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। उम्मीद है कि फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव में गांव, गली गली, शहर के वार्ड और हर बूथ तक जा कर के हमारे कार्यकर्ता प्रचार में आज से ही जुड़ जाएंगे। आज हमारा मकसद यही है कि सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए डायरेक्शन दी जाए, कार्यकर्ता मेहनत करने में लग जाएं क्योंकि बहुत कम समय बचा है, शायद जुलाई में भी चुनाव हो जाए। आगरा के एतमादुल्ला क्षेत्र के सुशील नगर स्थित ब्रह्मपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े युवक और युवती की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। युवक और युवती पड़ोस के ही रहने वाले हैं। युवक की शिनाख्त 21 वर्षीय शिवम सिसोदिया के रूप में हुई है, जबकि युवती की शिनाख्त 28 वर्षीय पूजा के रूप में हुई है। थाना एतमादुल्ला की घटना बताई जा रही है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड भी मौजूद रही।
थाना एतमाद दौला का सुशील नगर है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती, जो युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर पति और जो उसका ससुर है उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है इस केस में, और उनके द्वारा जो आला कत्ल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिरविर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो मृतक है ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा युवती से, जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था। अलीगढ़ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के सराफा बाजार बंद करते हुए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि थाना क्वारसी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में सराफा व्यापारी की पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित सराफ ने बताया कि बीते दिन सराफ कारोबारी की पत्नियों और बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसको लेकर सराफा व्यापारियों ने बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे और कर रहे हैं कि उनके साथ कठोरतम से कठोरतम जो दंड दिया जाए वो दिया जाए, जिससे कि समाज में एक नया कुछ लगे कि हाँ, किसी ने कोई अगर गलत कार्य कराया उसका ये भुगतना पड़ रहा है। कितना बड़ा रोष है, मात्र 36 साल की महिला, 8 साल के बच्चा, उसे शर्म नहीं आई उन लोगों को, हत्यारों को, कि इस तरीके से हत्याकांड करना। और आप ये देखिए कि वो जो सुरेंद्र नगर है सबसे व्यस्ततम इलाका है और पूरा सराफा बाजार। उन्नाव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां हसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 5 वर्षीय मासूम के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर उसे घर के नीचे फेंक दिया गया। इसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले में पुलिस ने स्वजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को हिरासत में ले लिया है। साथ ही आरोपी पर पॉस्को एक्ट में FIR दर्ज की गई है। तो नाव से खबर सामने आ रही है, जहां युवक ने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और जब मासूम ने चिल्लाना और चीखना शुरू किया तो उसे छत से फेंक दिया गया। युवक द्वारा मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। उन्नाव से दुष्कर्म के बाद बच्ची को छत से फेंक दिया गया है। आगरा के खेड़ागढ़ तहसील क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने दिन दहाड़े SDM के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया है और मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक खाली ट्रैक्टर लेकर भाग गया, जबकि मौके से पुलिस ने उसके 2 साथियों को पकड़ लिया है और एक आरोपी की बाजार में ही पुलिस ने लात घूंसे से जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि खेड़ागढ़ पुलिस बल को साथ लेकर बाजार में अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दे जा रही थी। इसी दौरान चंबल खाली करके आया ट्रैक्टर ट्रॉली ने तेज स्पीड में SDM के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया है, जिसमें वो बाल बाल बच गई। ये खेड़ागढ़ में SDM साहब द्वारा चेकिंग की जा रही थी, क्योंकि आजकल ओवरलोडिंग और अवैध खनन वालों के खिलाफ अभियान चल रहा है, पुलिस भी साथ थी। एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली आगे भगाई गई, उनके साथ के हमराही और दूसरा पुलिस वाल ट्रैक्टर को कड़े, तो ट्रैक्टर का जो चालक था उसके द्वारा होमगार्ड से मुजाहमत की गई और उसे पकड़कर लाया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत। अलीगढ़ की तहसील कौल थाना विजयगढ़ के गांव नगलाबरी में अधिकारियों ने PAC बल की मौजूदगी में वन विभाग की 1900 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराकर वन विभाग को सौंप दिया है। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि गांव के लोगों ने काफी समय से वन विभाग की भूमि पर कब्जा किया हुआ था, जिसे प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर खाली करवाया गया है। जिसके बाद गाँव के कुछ लोगों ने जमीन पर चल रहे कोर्ट में विवाद को लेकर SDM से मुलाकात की और उन्होंने भूमि पर हो रहे पट्टों को अवैध बताया।
की रिजर्व फॉरेस्ट की जगह है जिस पे वृक्षारोपण होना है इस बार और वो खाली कराई जा रही है। कितनी भूमि है? उस 100 हेक्टेयर के आसपास है। लगभग अनुमानित कीमत कितनी होगी? अब कीमत तो सर्किल रेट के हिसाब से निर्धारण होगा। बताया जा रहा है कि पिछले बार कुछ पट्टे वगैरह हुए थे, उन पट्टों का क्या हुआ? रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर पट्टे हो ही नहीं सकते हैं। गांव के लोग बता रहे हैं कि कुछ पट्टे हुए थे। हाँ तो हुए होंगे, लेकिन खतौनी में। बिजनौर के सोहारा थाना क्षेत्र के गांव मुबारकपुर गड़ी में बीती 23 मई को एक तालाब के किनारे अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी बड़े भाई ने अपनी ही छोटे भाई को मामूली विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतक मंदबुद्धि था और उसका सम्मान नहीं करता था, जिस कारण उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। त्योहारा के मुबारकपुर गढ़ी गांव में 23 तारीख को एक नवयुवक 20-22 साल के बच्चे का शव मिला था। अजली अवस्था में अज्ञात था। पुलिस ने पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई। बाद में उसकी पहचान वहीं का पंकज नाम के व्यक्ति से हुआ। अनावरण हुआ तो मालूम हुआ कि उसका सगा बड़ा भाई अशोक ने उसको चोट पहुँचाया, जिसमें ब्लेड से चोट पहुंचाना उसने कबूल किया, फिर पत्तियों से जला दिया सिनाक छुपाने के लिए। हत्या का कारण उसके द्वारा जो बताया गया कि वो मंदबुद्धि था, लड़ता झगड़ता था, उसका सम्मान नहीं करता था, मामूली बात को लेकर के भाई ने भाई की जघन ने। बुलंदशहर के थाना छतरी पुलिस ने दो शातिरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने दो अवैध असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 तमंचे और 7 जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल को बरामद किया है। जानकारी मिली कि शातिर तस्कर असलहों की कई अलग अलग जगह पर सप्लाई करते रहते थे। थाना प्रभारी छतारी और उनकी टीम के द्वारा एक बहुत ही उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है। ये दो अपराधी डेविड कुमार और राकेश कुमार, जिसमें से डेविड कुमार मिलक गांव का रहने वाला है, थाना खैर जनपद अलीगढ़ का, और राकेश कुमार गांव पला का रहने वाला है, खैर थाना जनपद अलीगढ़। इनके कब्जे से 14 तमंचे, 315 बोर के 7 जिंदा कारतूस, 1 बजाज मोटरसाइकिल ये बरामद की गई है। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल ने पुलिस लाइन के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने जांच के आदेश देते हुए शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। रात को 9:15 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि हमारा एक हेड कांस्टेबल है तिलकराज, वो पुलिस में क्वार्टर में रहता है, सूचना दी गई। बारिश मौके पे आए, उनसे पूछताछ करने के तो कुछ समय से मानसिक तौर पे परेशान था, तो परेशानी के कारण ही उसने ये आत्महत्या की। सर पीछे से कहाँ से रहने वाले थे ये? पृथला के रहने वाले, गदपुरी थाने में गाँव पड़ता है, पृथला वहाँ के रहने वाले। क्या नाम था, कहाँ पे तैनात थे? तिलकराज था, ये एसएचओ का बीटीबीटी उसका ड्राइवर था। कुछ पता चला है क्या पारिवारिक कारण रहे? परिवारिक की कोई बात नहीं, मानसिक तौर परेशान था। सर कितने बच्चे थे, शादीशुदा थे? नहीं, दो बच्चे हैं, एक 4 साल का है, एक 7-8 साल का लड़का, दो लड़का लड़के से। और कितने साल से थे जी सेवा में? ये 35 साल की उम्र होगी, 12 साल। बुलंदशहर की डिवाई पुलिस ने महेंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्याकांड में शामिल 25,000 के 3 इनामी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से तमंचे समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले पर पूछताछ के दौरान पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी रात में बकरियां चोरी करते थे। इसी कड़ी में आरोपी महेंद्र के घर भी बकरी चुराने आए थे और वहीं चोरी की भनक लगते ही मृतक महेंद्र ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके बाद आरोपी महेंद्र को गोली मारकर मौके से फरार हो गए। थाना डिबाई के दानपुर गांव में एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति थे, जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने घेर के बाहर, जो एक छोटी पगडंडी नुमा पक्की सड़क है, उसके किनारे सोए हुए थे और उनको गोली लगी, लेकिन मौके पर कोई अभियुक्त दिखाई नहीं पड़ा। परिवार वाले जग गए
और इसके बाद 302 का बनाम अज्ञात एक अभियोग दर्ज किया गया था। पुलिस के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उसके आगे पीछे के तमाम CCTV कैमरों की निगरानी करने और लगातार प्रयास करने के बाद एक गाड़ी ट्रेस हुई जो घटना के समय उस स्थान से गुजरी थी, और फिर उसी आधार पर पीछा करते हुए 3 साथी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में सरकार का स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है और टैक्स का भुगतान करने के बावजूद भी सब्जी मंडी में गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आ रहा है, जिससे बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। वहीं इस दौरान कमेटी के अधिकारी ने कहा कि उनसे टैक्स तो समय पर ले लिया जाता है, लेकिन फिर भी मंडी में दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश आई थी जिसकी वजह से जगह जगह पे पानी भर गया था, तो कई जगह से पानी हटा दिया गया है और कुछ जगह एक दो जगह रह गई हैं, उनको भी हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज शाम तक या कल दिन में हम अब इसको पूरी तरह से साफ़ कर देंगे, मंडी बिल्कुल साफ हो जाएगी। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं, सिर्फ उनकी कमी है ये, बाकी और किसी की कोई कमी नहीं है। उनको बार बार कंप्लेंटें भी कर रहे हैं, ठेकेदार को भी कंप्लेंट कर रहे हैं, ठेकेदार आपके सामने खड़ा भी है, बुलाया है इसको। आज बारिश को हुए हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद भी यहाँ सफाई नहीं है। हेमचंद नगर, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, गंदगी से परेशान है पूरे आरती। इतनी बदबू फैली हुई है, बीमारी फैली हुई है, आरती खुद बीमार हो चुके हैं कई। कोई सफाई का काम नहीं है किसी का भी, सेक्रेटरी से कंप्लेंट कर ली, सेक्रेटरी भी नहीं सुनते। मुरादाबाद में 28 मई को रात 10 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत इंपीरियल चौराहे से पीली कोठी तक रन फॉर शक्ति मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं से अपील की गई कि वो इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। वहीं पुलिस द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान में पुलिस अभिनेता संजय मिश्रा ने भी महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वो इस रेस का हिस्सा बने। मुरादाबाद पुलिस द्वारा 28 मई शनिवार रात्रि 10 बजे एक रन फॉर शक्ति अमैया मैराथन कराई जा रही है, और आप सभी माताएं बहनें इसमें आमंत्रित हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स हैं बट ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा, और बिकॉज ये हमारा उद्देश्य है कि आप अपनी शक्ति पहचानें, आप अपना अधिकार जानें और आप अपने लिए वोकल हों, यही इसका उद्देश्य है। और जितनी संख्या में इसमें शामिल होंगे हमें एक नई शक्ति मिलेगी, हमें एक नई स्फूर्ति मिलेगी, हम आपके लिए और अच्छे से और उम्मीद के साथ और लगन के साथ कार्य कर पाएंगे। मुरादाबाद पुलिस ने एक अच्छी पहल की है महिला सशक्तिकरण की तरफ। 28 मई को रात 10 बजे इंपीरियल तिराहे से पीली कोठी तक एक मैराथन है, महिला मैराथन। मैं चाहता हूँ कि आप सब मुरादाबाद की महिलाएँ इस मैराथन में भाग लें, इसका हिस्सा बने और महिला सशक्तिकरण की तरफ अपना। रायबरेली डिप्टी SP और ARTO प्रवर्तन के सघन चेकिंग अभियान से सड़क किनारे खड़े वाहनों और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। भारी पुलिस बल के साथ सड़क किनारे खड़े वाहनों का चालान किया गया, इसी के साथ गाड़ी चालकों का अल्कोहल टेस्ट भी किया गया। इसके अलावा अतिक्रमण करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों के एक्शन से कुछ दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर मौके से फरार हो गए। शासन के निर्देशों के क्रम में ARTO साहब और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इस समय अवैध अतिक्रमण हटाया जाना, जो लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उनको चेक करना, स्टंट कर रहे हैं उनको चेक करना, इस तरह से इन सब गतिविधियों के द्वारा हम लोग अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं, साथ ही सुरक्षित यातायात रहे, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके, इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार के आदेश पर अवैध ट्रक पार्किंग ओवरलोड खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। SDM सदर के नेतृत्व में मुरादाबाद रोड से 42 खनिज लदे ट्रक पकड़े गए हैं। बता दें कि परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग मार्गों पर ओवरलोडिंग के खिलाफ एक्शन लिया है। अगर अब ये पता चल जाए हमें कैसे चलना है, कैसे नियम मतलब करना है, हम ऐसे ही काम करेंगे। अब आदेश ही रहते, वैसे हम तो कोई हमारा ईंट पत्थर का काम है कहीं, अपने लिया में और अपने ढोले मजदूरी करें, ईंटें भरने चले जाएँ, ईंटें उतार ले जाके, हम तो कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है। गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसे ही मानना भी पड़ेगा हमें, इसके लिए सहयोग। क्या मांगे आपकी सरकार से? आप हमारी सरकार से मांग है ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें और मजदूर पार्टी के लिए जो भी है उसका इंतजाम करके दे भी जगह। ठीक, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि
उत्तरांचल से आने वाली गाड़ियां जो है ये ओवरलोड लेके आती है और ये पूरे रास्ते को डैमेज कर रहे हैं, कहीं भी जाम लगता है इनके कारण। तो जैसा कि आप जानते हैं सड़क सुरक्षा लगातार। संभल में पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान ऑपरेशन पाताल के तहत चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अवैध शस्त्र बनाने वाले दो नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। शातिरों के पास से शस्त्र बनाने के उपकरणों को भी बरामद कर लिया गया है और अब अभियुक्तों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें दो अभियुक्त जिनके नाम हनीफ और नफीस हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों थाना संभल के ही रहने वाले हैं। इनके पास से 4 अदद तमंचे देशी 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस, 2 कारतूस खोखा, इसके अलावा 5 अदद तमंचे 12 बोर के, इन सभी को बरामद किया गया है। साथ में शस्त्र बनाने के उपकरण, पोनिया इत्यादि बरामद। खबर बलिया से है जहां बच्चों के बीच विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि टगरौली गांव का ये मामला है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।